क्राउन प्लाजा होटल अहमदाबाद, सरखेज गांधीनगर हाईवे पर स्थित, उसकी मुलाकात लेने का मौका मिला जो SG हाईवे पर स्थित है। ये क्राउन प्लाजा होटल के बाहर का नज़ारा है जहां मैं और मेरी मैडम गोलगप्पे खाने आए हैं। शाम का नज़ारा है, शनिचर का दिन है, मार्च महीना, और ये SG हाईवे जहां वाहन आते जाते नज़र आ रहे हैं। सरिस रोड पर अंकल गोलगप्पे वाले, और गोलगप्पे खाने के बाद हम आ गए हैं रूम के अंदर जहां हम आपको रूम की टूर करवा रहे हैं। क्राउन प्लाजा होटल 4th फ्लोर 415 नंबर का रूम। ये बाथरूम है, ये आउटसाइड है, ये कबर्ड हुआ बड़ा, और आगे चलते हुए देखो ये आईना लगा हुआ है, TV है, काफ़ी लंबा रूम है बड़ा, पलंग देख लो आप, काफ़ी क्लीननेस, शांति, टोटल AC रूम है, एयर कंडीशनर। इस रूम के अंदर हमने आज शनिचर के दिन 12:30 एंट्री ली है। देखो ये फ़ोन का नज़ारा, फ़ोन उठा रही है। यहाँ से 4th फ्लोर से आउटसाइड का भी नज़ारा दिखता है, मगर ये रूम की पूरी टूर अंदर की साइड आप देख लीजिए। ये 4th फ्लोर से लिया हुआ स्विमिंग पूल का नज़ारा काफ़ी बहुत ही रमणीय है, देखने के लायक है। और वो जो वाहन आ रहे जा रहे हैं वो सरखेज गांधीनगर हाईवे है जो ये बालकनी में से, मतलब विंडो में से दिखाई दे रहा है। और ये रूम के अंदर का सीन है देखो, पलंग का गद्दा वद्दा इतना मुलायम और इतना अच्छा है, मज़ा पड़ जाएगा। मतलब देखो मैडम कितनी खुश नज़र आ रही है। क्राउन प्लाजा होटल अहमदाबाद, ये पूरी रूम की टूर हो चुकी, और ये देखो मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ हमने देखा को रूम के अंदर चाय कॉफ़ी खुद बना सकते हैं, तो हमने हाथ से कॉफ़ी बनाई है और ख़ुद पी रहे हैं। आज हम घर पर ही लंच करके आए थे और आज डिनर हम इसी होटल में करने वाले हैं, और कल ब्रेकफास्ट भी शायद हम इसी होटल का लेंगे, क्योंकि जो रूम हमने रखा है उसके अंदर ब्रेकफास्ट शामिल है। तो कल सुबह में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, पूरी रात हमको यहीं रहना है, वही शाम होने वाली है, कॉफ़ी का लुत्फ़ वाकई बहुत ही अच्छा है। मार्च महीना होने के बावजूद बहुत ही ठंडक है आउटसाइड भी, और रूम के अंदर तो एयर कंडीशन है ही है, काफ़ी अलग सा महसूस हो रहा है हमें। और रोज़ बरोज की ज़िंदगी में से एक दिन के लिए, इस तरह या दो दिन के लिए
बाहर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और ऐसे भी स्टैंडर्ड और अच्छी होटल में रुकना हमको ज़्यादा पसंद है, जहाँ हर हमेशा हमारी मैडम हमारे साथ रहती है। देख लो, जब कैमरा सामने आता है तो चेहरे पे खुशी आ ही जाती है। काफ़ी अच्छा रूम है, बड़ा रूम है, फोर्थ फ्लोर पर है, नाइस व्यू है और पलंग भी बहुत अच्छा है। रूम का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं और ये विंडो में से देखिए आपको स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। स्विमिंग पूल भी काफ़ी अच्छा और बड़ा है। मैडम बोलती है चलो वहीं जाके बैठते हैं, तो हम अब आ गए हैं क्राउन प्लाजा होटल के सेकंड फ्लोर पर आए हुए स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं। मार्च महीना, सैटरडे का दिन 2023। माहौल देखो, वातावरण देखो, क्लाइमेट देखो, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। जो बारिश होने वाली है, अभी बादल पूरी तरह से आ चुके हैं, जो कि मार्च महीने में कभी बारिश होती नहीं है, मगर ये अचानक क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो बारिश की ऐसे भी आगाही दी हुई थी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी हवा तेज है। और ये है बैठक व्यवस्था स्विमिंग पूल के पास, जहाँ बैठ के बैठ कर कुछ बातें कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कुछ बाहर से लाया हुआ खाना भी आप खा सकते हो। काफ़ी लंबा चौड़ा रूम है, होटल है, शहर के मध्य में है। अहमदाबाद में खासी होटलें हैं जो स्टार कैटेगरी की है, उसी में से एक ये क्राउन प्लाजा होटल है, जहां और फैमिली भी आई हुई थी। काफ़ी भीड़ भड़क का नहीं था, कम पब्लिक थी, और सामने जो आप देख रहे हैं येलो कलर के अंदर जिम आया हुआ है सेकंड फ्लोर पे ही। सेकंड फ्लोर पर स्पा है, जिम है, स्विमिंग पूल है, काफी जबरदस्त माहौल के बीच क्राउन प्लाजा होटल का लुत्फ लेते हुए रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स, आनंददायक वातावरण के अंदर आनंद लेते हुए आज शाम का डिनर हमको यहाँ लेना है। और जो पहले आपने सीन देखा गोलगप्पे का, और यहाँ से जाने के बाद का था, शाम का सीन था वो। यहाँ बैठने के बाद हम गए थे बाहर कुछ गोलगप्पे खाने के लिए, जो आपको हमने पहले बता दिया। काफ़ी अजीब, ये देखो ये भी स्विमिंग पूल के पास का ही सीन है, हम साथ में बैठे हुए हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। बीच में किसी का फ़ोन आ जाता है, अभी हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। और सब काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। ये लिफ्ट का सीन है, जो पहले सीन देखा वो आईने का सीन था। लिफ्ट में सेकंड फ्लोर से होते हुए हम फोर्थ फ्लोर पर जा रहे हैं, जहां हमारा रूम है। और ये अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर आए हुए
रेस्टोरेंट जो क्राउन प्लाजा का है, जहां हम डिनर ले रहे हैं। कुछ लाइटें चालू हो चुकी है और देखिए ये डिनर है। डिनर तो हमको इतना खास नहीं लगा, यहाँ का वैरायटीज तो थी मगर हमको ज़्यादा पसंद नहीं आई। और यहाँ के जो चीफ थे वो भी, और सेफ थे जो भी, वो भी हमसे रूबरू मिले थे कि आपको अगर कोई खाना पसंद नहीं तो नहीं आता तो आप बताइए, हम आप जो बोलेंगे बना देंगे। सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, लाइव सिंगिंग प्रोग्राम भी बहुत चालू हो रहा था जो हमारे टेबल के बिल्कुल बाजू में ही सिंगिंग कर रहे हैं कलाकार, और काफ़ी सजाया हुआ था, काफ़ी सारी वैरायटीज थी मगर हमारे टेस्ट की नहीं थी। फिर भी घर से बाहर रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी से अलग कोई अच्छा माहौल था तो हमको ज़्यादा पसंद तो आया ही। देखो ये सिंगिंग कर रहे हैं, अलग अलग गाने गा रहे हैं, हमारे को सुना रहे थे, काफ़ी अच्छा था। हमारी मैडम को भी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी पसंद आया। ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है ये, रिसेप्शन के पास ही है। और ये अब हम आ गए हैं स्विमिंग पूल करने के लिए। स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करने के लिए आ गए हैं, जो कि मैं ये पहला वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा मुझे समझ नहीं है। पहले का सीन बाद में, बाद का सीन पहले हो रहा है। स्विमिंग काफ़ी ठंडा पानी, पूरी रात पड़ा हुआ ठंडा पानी था। और स्विमिंग तो हम कभी भी कहीं भी होटल रखते हैं, पहले स्विमिंग पूल देखते हैं। अगर स्विमिंग पूल है तो उसको फर्स्ट चॉइस दी जाती है, क्योंकि हमें स्विमिंग का काफ़ी शौक रहा है पहले से, मैं क्या, मेरी मैडम क्या, और बच्चे भी। स्विमिंग में, स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करना काफ़ी पसंद करते हैं, हमको काफ़ी मज़ा आया। पानी बहुत ठंडा था, क्राउन प्लाजा होटल, देखो ये पानी में कूदे हम, बहुत मज़ा आ रही थी। स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी भरा हुआ है ये आरओ का पानी भरते हैं लोग, और इसकी डेप्थ 4 फुट से ज़्यादा नहीं थी, कोई भी इंसान इसमें जल्दी से डूब नहीं सकता। 4 फुट गहराई, देखो पानी पर सो गए हम, उसी तरह हाथ पैर हिलाए बगैर हम 15-20 मिनट या आधे घंटे तक भी सो सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस का मामला है, लोग काफ़ी लोग भी इसको अगर प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं, मगर ये सलंग इसी तरह का वीडियो बनता रहा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हमारे मैडम अभी कैमरा घुमा देगी तरफ। देखो कैमरा घुमा दिया इधर उधर। स्विमिंग करने से क्या है कि सेहत भी अच्छी रहती है, एक जात की एक्सरसाइज ही है। सेकंड फ्लोर पर स्थित स्विमिंग पूल, जहां जिम भी मौजूद है, स्पा सेंटर भी मौजूद है, काफ़ी सारी सुविधाओं भरा ये होटल क्राउन प्लाजा अहमदाबाद, जो हमारे घर के करीब ही है। ये हमारे ही घर के करीब में आया हुआ फर्स्ट रेटिंग वाला होटल है, जहां हमने एक दिन ठहरने का निश्चय किया और शनिचर के दिन हम आए थे यहाँ। अभी देखो ये स्विमिंग जो मैंने किया ये संडे के दिन का है,
मार्च महीना है 2023, मगर फिर भी कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं है। ये देखो हमारी मैडम आ रही है स्विमिंग पूल से रूम की तरफ जाते हुए। काफ़ी अच्छा प्रयास रहा हमारा। देखो ये भी पानी उड़ा रही है, अद्भुत दृश्य मना रहे हैं। ये देखो बहुत ही सुखद पल है ये हमारी ज़िंदगी के। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त।